दोस्तों सुजुकी के अलावा पियाजो ग्रुप दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है जिसने 2020 ऑटो एक्सपो में पार्टिसिपेट किया है टू व्हीलर सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो, और दो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट लेकर आया है। एक तो लाया है वेस्पा इलेक्ट्रिका का प्रोडक्शन वर्जन, मैं बोल सकता हूँ लास्ट ऑटो एक्सपो में इसका कॉन्सेप्ट शोकेस किया गया था और अब इसका प्रोडक्शन वर्जन शोकेस किया गया है। अगर आप फ्रंट की बात करें तो काफ़ी स्टाइलिश सी दिखने वाली इसके अंदर मिली है आपको हेडलाइट, प्रिंट बोर्ड की हेडलाइट है दोस्तों जो काफ़ी स्टाइलिश दिखाई देती है। क्रोम का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है उसके चारों तरफ। फ्रंट एप्रन इसका काफ़ी स्टाइलिश है, यहाँ पे आपको नियॉन कलर की एलिमेंट्स मिले हैं और आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी मिलने वाला है स्कूटर के अंदर। साइड डिजाइन भी बाकी वेस्पा के जो न्यू जेन जो वेस्पा स्कूटर्स हैं उनकी तरह ही काफ़ी स्टाइलिश रखा गया है स्कूटर का, और पीछे का डिज़ाइन भी आपको काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेक्स की, तो इसके अंदर डीसी मोटर मिली है, 200 एनएम की टॉर्क मिलती है आपको इस स्कूटर से और लिथियम इओन 4.2 किलोवाट की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। चार्जिंग टाइम है इसका 220 वोल्ट की जो सॉकेट है उससे आप चार्ज करेंगे तो 3.5 आवर्स में इस स्कूटर का फुल चार्ज कर सकते हैं, और एक बार फुल चार्ज करने के बाद आप इस स्कूटर को लगभग 100 किलोमीटर चला सकते हैं। 70 किलोमीटर के आसपास आप चला पाएंगे इस स्कूटर को पावर मोड के अंदर, और 100 आप चला पाएंगे इको मोड के अंदर। जो टॉप स्पीड है वेस्पा इलेक्ट्रिका की वो रखी गई है 70 किलोमीटर पर आर स्पोर्ट्स मोड के अंदर और 45 किलोमीटर पर आर इको मोड के अंदर। दोस्तों देखने में काफ़ी स्टाइलिश है। कीमत इस स्कूटर की अगर भारत में इसको लॉन्च किया जाएगा तो 1.5 लाख से ऊपर रखी जा सकती है। काफ़ी स्टाइलिश है दिखने वाला, आपको इसके अंदर कलर TFT मिलने वाला है इसके स्पीडो कंसोल के अंदर। जो रेंज है वो आपको बताएगा कितने किलोमीटर चल चुकी है, बैटरी कितनी बची है, 34% बची है स्कूटर के अंदर, और कलर TFT लगाया गया है। टेम्परेचर भी आपको बताएगा जो आउटसाइड टेम्परेचर वो कितना है। उसके अलावा अगर आप इसके जो पैनल्स देखेंगे क्रोम का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, और इस पर मिले हैं दोस्तों आपको पियानो ब्लैक फिनिश के स्विचेज, क्रोम मिरर्स मिलने वाले हैं आपको स्कूटर के अंदर, मीटर के चारों तरफ भी क्रोम का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। सीट्स के ऊपर आप देखेंगे तो स्टिचिंग आपको मिलने वाली है सेम वैसा ही डिज़ाइन है जैसा इलेक्ट्रिका जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर शोकेस किया था। नियॉन कलर की आपको बिडिंग मिलने वाली है इसकी सीट के ऊपर, राउंड शेप की LED टेल लाइट, और पीछे से भी काफ़ी स्टाइलिश बनाया दोस्तों स्कूटर को। ग्रैब रेल्स क्रोम की मिली हैं, पीछे वाला जो व्हील है वो आपको काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी स्पोर्टी मिलने वाला है फ्रंट की तरह ही दोस्तों। सिर्फ आप बटन से ही सीट को ओपन कर सकते हैं, बटन लगाया गया है यहाँ पर, आपको की निकालने की ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी गहरा आपको अंडर सीट स्टोरेज स्पेस मिला है। काफ़ी बड़ा हेलमेट भी आराम से रख सकते हैं इसके अंदर दोस्तों। यहाँ पर है इसका पावर का जो सॉकेट है वो आप निकाल कर इसको चार्ज कर सकते हैं, आपको चार्जर अलग से लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इनबिल्ट लगाया गया है। 1.5 लाख के आसपास इस स्कूटर की कीमत रखी जा सकती है, और इसको इस साल के अंत तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है दोस्तों। उसके अलावा स्कूटर एक और शोकेस किया है वेस्पा ने, वो है मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये वाला। T60 के नाम से इस कॉन्सेप्ट या यूं कहूं कि इस स्पेशल एडिशन वर्जन को शोकेस किया है। ये काफी स्टाइलिश है दिखने के अंदर, DRLs मिलती हैं स्कूटर के अंदर रेड कलर के साथ, व्हाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी जस्ता है स्कूटर के ऊपर। सेंटर के अंदर DRL मिली है इस स्कूटर को, काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छी लुक देता है दोस्तों। इस स्कूटर को भी भारत में लॉन्च किया जाना है बहुत जल्द, और जो नॉर्मल एडिशन आता है उससे लगभग इस स्कूटर की कीमत 10,000 to 12,000 ज़्यादा रखी जा सकती है। दोस्तों बात करें इस ऑटो एक्सपो की तो काफ़ी फीका सा रेस्पॉन्स है, कुछ ही मैन्युफैक्चरर्स ने पार्टिसिपेट किया है, और टू व्हीलर में सिर्फ दो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस ऑटो एक्सपो के दौरान। दोस्तों वेस्पा और सुजुकी ने ही पार्टिसिपेट किया है, हालांकि वेस्पा दो काफ़ी स्टाइलिश से दिखने वाले स्कूटर और एक
जो प्रोडक्शन वर्जन है इलेक्ट्रिका का उसको लेकर आया है, और एक लिमिटेड एडिशन या स्पेशल एडिशन वर्जन बोल सकता हूँ उसको लेकर आया है। दोस्तों कैसे लगे आपको ये दोनों स्कूटर्स प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव यहीं विदा लेता है, मिलता है एक और वीडियो में एक और स्कूटर के साथ में बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।